teclas. Ayam siguiente compound interest. इसे हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज. ये एक ऐसा ब्याज होता है जो हर साल चलते रहता है. मान लो अगर हमारे पास 100 रुपीस हम सो 1000 रुपए हैं, तो हमने अगर उससे जमा रखा बैंक में, तो हमारे क्या हर साल उसमें बढ़ता रहेगा. तो हर साल कुछ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ता रहेगा, फिर उस पर भी ब्याज लगेगा. तो ये चक्र चलता रहता है, तो इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज. इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. तो आज हम निकालेंगे, इसमें हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 2000, रेट 5%, और टाइम दे रखा है 2 ईयर. तो हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 5% की दर से, 5% 5% के हिसाब से निकालना है. तो सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा. तो अमाउंट का फॉर्मूला है पी मतलब प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल 1 + R, R मतलब रेट 100, T टाइम, 2 ईयर्स टाइम दे रखा है इसमें. यहाँ पर टाइम ये फॉर्मूला बना लिया. हमारा अमाउंट, तो हम अमाउंट को लेंगे A, अमाउंट को शो करेंगे A से. हमारा P है 2000, 1 + रेट है हमारा 5% अपॉन में 100, और टी है हमारा 2 ईयर 2 साल 2000. अब हमें यहाँ क्या करना है, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 100 × 100, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई 1 में करा और सामने प्लस कर देंगे 100 × 100, और ये 100 वहीं पर रहेगा. 100 का मल्टीप्लाई 1 में करा और सिर्फ यहाँ प्लस करना है, तो हम प्लस कर देंगे. अब 105 105 अपॉन में 100, ये हमने इसको प्लस कर लिया. 100 में 5 प्लस करा, 105 हो गया. अगले स्टेप में आएंगे हम. अब इसे हम शॉर्ट करेंगे. ये 5 है, ये 0, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, हम दोनों को 5 से शॉर्ट कर देंगे. 5 × 10, 5 × 5, 5 × 10, और 0 का 0. ये हमने इसे 5 से शॉर्ट कर दिया, क्योंकि दोनों की संख्या 5 के टेबल में आती है, इसलिए 5 से शॉर्ट कर सकते हैं. अगले स्टेप में, अब इसकी पावर 2 है, तो 2000 ब्रैकेट हटा देंगे, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा. इसकी पावर 2 है, दो बार लिखेंगे, ठीक है. अब यहाँ पर 2 जीरो से, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो गया, और 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 10 = 20, इस 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 = 10. तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर a बराबर 5 × 21 × 21. तो हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे. 21 और 21 का करते हैं,1 × 1 = 1 × 2 = 4 × 1 = 4 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ×